Hey guys, this is Munan and welcome back in my YouTube channel Techie for you. So, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी बना ली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा फुटर बचा हुआ है। फुटर यहाँ पे बनाने के लिए कुछ इस तरह से हमें फुटर बनानी है, तो चलिए हम इस फुटर को भी अब बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं अपने कोड के अंदर, कोड के अंदर सबसे नीचे जाएंगे तो हम एक पहले कमेंट कर लेते हैं फुटर का, ठीक है, और जस्ट इसके बाद हम फुटर बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक डिव लेंगे जिसमें हम एक क्लास लेंगे, ठीक है, उस क्लास का हम करेंगे कंटेनर, जो कि हमारा होगा फ्लूइड, है ना जी। कंटेनर फ्लूइड हमने ले लिया और इसका भी एक एक्सटर्नल क्लास ले लेते हैं फुटर, जिसमें हम इसको कलर देंगे, ठीक है। हम इसके अंदर एक डिव लेते हैं, फिर एक क्लास लेंगे, इसके अंदर हम एक रो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रो डिफाइन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यह जो फुटर है मेरा कुछ इस तरह से एक दूसरे से अलग आए, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट से भी कुछ मार्जिंग हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक और क्लास लेना होगा जिसका नाम होगा, जो सबसे ऊपर होगा, कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर का भी एक क्लोजिंग टैग हमें देना ज़रूरी है, तो क्लोजिंग टैग मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब आते हैं, हम इसके अंदर एक डिव लूँगा, उसके बाद मैं एक क्लास लूँगा, उस क्लास का नाम कॉल होगा और एसएम होगा कितना, तो 6 हो जाएगा, है ना। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी कर लेता हूँ। अब हर एक 6 के अंदर अब हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट को अरेंज करने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेक्स्ट हैं और 6 × 12, अगर दो दो के अंदर मैं करूँ तो ये टेक्स्ट पड़े हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा, इन दोनों को हमारे एक रो के अंदर रखना होगा और इन 1, 2, 3, 4 हैं इनको भी एक रो के अंदर रखना होगा। तो चलिए उसे भी हम कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ और इस 6 के अंदर एक और मैं रो क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक डिव लूँगा, फिर एक क्लास लूँगा और एक रो ले लूँगा, ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर डिव, क्लास, कॉल, एसएम, ये होगा हमारा 6, ठीक है, और इसे हम बंद करके डी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा क्लास है, मैं चाहता हूँ कि सेम ये है, मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँ, ठीक है, इस 6 के अंदर, इस 6 के अंदर भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन इस 6 के अंदर यहाँ पे फ़िलहाल मेरा एक होगा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, है कि नहीं। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, जस्ट सबको ये ठीक है, मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे मुझे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इस 6 के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अब आता हूँ मैं, स्पैन यूज़ करता हूँ। अब मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी से करता हूँ, फटाक फटाक इन सब के अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जब मैं इसमें कॉपी पेस्ट करूँ तो मैं इजीली कर पाऊँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो इस वाला टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आया और यहाँ पे जो फर्स्ट में है 6 के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इजीली मेरा पेस्ट हो गया। फिर मैं चाहता हूँ कि ये वाला, तो सबसे पहले मैं इसे हटा दूँ, देन इसे मैं कॉपी करूँ और फिर मैं यहाँ आऊँ और दूसरे के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँ। फिर मैं तीसरे में चाहता हूँ कि ये मेरा अबाउट अस मेरा कॉपी हो जाए, कॉपी किया मैंने, यहाँ आया और इसके अंदर मैंने अबाउट अस को मैंने अपना पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ जाता हूँ और इसके अंदर जाने के बाद पहले तो मैं इसको अनटिक करता हूँ, अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ जाता हूँ और इस फोटो को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आ करके इसे पेस्ट किया, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये मेरा फटाफट यहाँ पे हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे अपना व्यू देखें ज़रा सा कैसा काम कर रहा है। तो आकर यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है व्यू, ठीक है। अभी एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, ठीक है, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए ज़्यादा चाहिए तो हम इसे 4 कर देंगे और ये जो मेरा छोटा है तो इसे हम 2 कर देंगे। अब आपका काम क्या हुआ, फुटर पे आते हैं। फुटर को मैं कॉपी करता हूँ, पहले इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूँ, फिर मज़ा आएगा आपको, है ना। लीजिए आपका काम हो गया है,
अब आइए आप सीएसएस में आते हैं, तो भैया से इनसे कुछ कहते हैं कि आप जो फोटर वाले हैं आप अपना काम कीजिए कि आप अपना पहले बैकग्राउंड कलर सुधार लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे हम इनको बैकग्राउंड कलर आपका हो जाता एक्वा तो कितना अच्छा होता है ना। फिर आप कहते हैं इनको आपका जो टेक्स्ट जो है वो जो अलाइन है वो थोड़ा सा सेंटर हो जाता तो कितना अच्छा होता है ना। अगर आपका कलर अगर हो जाए अगर वाइट तो और भी अच्छा हो जाए, है कि नहीं। गुड, अब यहाँ पे अब हम इन्हें कहेंगे कि थोड़ा सा आप पैडिंग भी कर देते अपने अंदर तो कितना अच्छा होता। तो पैडिंग इनको हम दे देते हैं, पहला आप हो जाइए 20 पिक्सल, ठीक है, टॉप और बटन से, और लैपटॉप राइट से आप हो जाइए 0 पिक्सल, क्योंकि यही ज़रूरी है मेरे लिए। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हो गया। अब इन भैया जी को कहेंगे कि थोड़ा सा आपका कलर अच्छा रहता तो कितना अच्छा रहता बैकग्राउंड कलर, है ना। तो हम बैकग्राउंड कलर इनके लिए हम एक एक्स्ट्रा पिक कर लेते हैं, ये वाला है कि नहीं, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे हटाते हैं, थोड़ा देखिए अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, गुड वन। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अच्छा है मेरा। अब ये भैया जी यहाँ से सटे हुए हैं, तो मैं फोटर वाले को कहूँगा कि आप थोड़ा सा मार्जिंग हो जाते हैं कहाँ से, तो टॉप से लगभग 50 पिक्सल, तो अति सुंदर हो जाता। तो हमने इन्हें कह दिया कि टॉप से लगभग 50 पिक्सल आप हो जाइए, लीजिए ये आपका फोटर लगभग मतलब लगभग क्या पूरा तैयार हो गया, ठीक है गाइज। एंड अब हम जानने वाले हैं कि हमारा जो हेडर है जिसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये जो मेरा स्टिकी हेडर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, एंड बाय बाय।